देखिए आज हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज, जो प्रोजन सेक्शन कल पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो उसको कट कैसे करेंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे माइक्रोटोम उसमें भी यूज होगा, अब माइक्रोटोम यूज होगा तो क्या करना पड़ेगा, देखो किसी भी टिश्यू को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको कट करना पड़ेगा, ठीक है। हमको प्रोजन सेक्शन में बताएं उसका एडवांटेज क्या है कि सर्जरी और ये डायग्नोस जो भी है, ये क्या नाम है, हाँ बायोप्सी, दोनों एक साथ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे करके, तो उसका वो एडवांटेज था, ठीक है। अब मानो कि बायोप्सी करेंगे तो टिश्यू को प्रोसेस तो करना पड़ेगा, टिश्यू प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, तो टिश्यू प्रोसेसिंग ये सब है, ठीक है। और उसके बाद उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको कट करेंगे सेक्शन में, ठीक है। अब कट करने के लिए क्या करेंगे, माइक्रोटोम वगैरह का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, बिना माइक्रोटोम से तो कटेगा नहीं। अब इसमें कुछ स्पेशल टाइप का क्या होता है, माइक्रोटोम यूज किया जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये है नामी से है क्या चीज, फ्रोजन सेक्शन, फ्रोजन मतलब क्या होगा, जमा हुआ सेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जितना भी माइक्रोटोम होगा वो कहाँ होगा, जो भी ठंडा एक चैम्बर होगा उसमें रखा हुआ रहेगा। अब जैसे ये क्या नाम है, तुम्हें को क्रायोस्टेट बताया था, क्रायोस्टेट में क्या बताए थे कि रोटरी माइक्रोटोम को क्या किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया जाता है, ठीक है, और उसी से कट करेंगे तो रोटरी माइक्रोटोम ये हो गया, क्रायोस्टेट हो जाता है, होता है ना। वैसे ही फ्रीजिंग माइक्रोटोम है, तो फ्रीजिंग माइक्रोटोम में क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसा चैम्बर आएगा जिसमें क्या होगा, टेम्परेचर बहुत लो होगा, और उसमें क्या करेंगे हम लोग, कटिंग करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू से देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रोजन सेक्शन, फ्रोजन सेक्शन, ठीक है ना। अब देखो सेक्शन आ रहा है यानी जब कटिंग हम लोग कर रहे हैं ना, उसी को ना सेक्शन हम लोग बोलते थे, सेक्शन कटिंग। तो सेक्शन कटिंग या फ्रोजन सेक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है, बनाना या कट करके ही बनाया जा सकता है। तो वहीं लिख रहा है कि टू टाइप्स ऑफ फ्रोजिंग, फ्रीजिंग माइक्रोटोम आर मेनली यूज फॉर टेकिंग फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजिंग सेक्शन बनाने के लिए दो टाइप्स का क्या किया जाता है, फ्रीजिंग माइक्रोटोम यूज किया जाता है, ठीक है, फ्रीजिंग माइक्रोटोम और रेफ्रिजरेटेड माइक्रोटोम। फ्रीजिंग माइक्रोटोम का मतलब क्या होता है कि फ्रीजिंग माइक्रोटोम यूज CO2 गैस इज इन यूज फॉर मेनी ईयर्स। अब इसमें क्या है, जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम है वो बहुत पहले से हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। अभी भी बहुत सारा जगह पे क्या होता है, फ्रीजिंग माइक्रोटोम का ही यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी फ्रीजिंग माइक्रोटोम होता है उसमें क्या, विथ CO2 गैस, उसमें क्या होता है, CO2 गैस को रखा जाता है, ठीक है, और उसको क्या किया जाता है, उसका सेक्शन कटिंग किया जाता है, ठीक है। जो भी फ्रीजिंग सेक्शन है उसमें क्या किया जाएगा, CO2 गैस को उसमें रखा जाएगा, ठीक है, और दोनों रहेगा। तुम लोग देखा होगा जैसे गाना वाना शूट होता है तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जो वो नहीं फ्यूम जैसे निकलते रहता है, वो सब क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है। तो उसका क्या किया जाता है, बर्फ का वो बनाया जाता है, क्या नाम है, सॉलिड जो जमा कर बनाया जाता है, ठीक है, उसमें CO2 मिक्स करके। तो क्या होता है, जैसे ही उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेगा तो क्या होगा, उसमें से फ्यूम निकलेगा, लगता नहीं है नीचे से कि कहाँ आइसलैंड पे आ गया, नीचे से धुआं धुआं निकल रहा है, तो वो सब क्या होता है, सब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, समझ में आया। तो क्या होता है, फ्रीजिंग माइक्रोटोम में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रखकर उसके बाद उसको क्या किया जाता है, कटिंग किया जाता है। ये क्या हो रहा है, सालों से चलता आ रहा है, अभी भी क्या होता है, वेरी पॉपुलर टेक्निक है, ठीक है, अभी भी कटिंग करने के लिए क्या होता है, सबसे पॉपुलर टेक्निक इसको यूज किया जाता है, फ्रीजिंग माइक्रोटोम को, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग का इंस्ट्रूमेंट का एडवांसमेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या किए हम लोग, लिक्विड नाइट्रोजन में क्या किए, क्रायोस्टेट वाला इन्वेंशन हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि रोटरी माइक्रोटोम तुम लोग को बताया था सबसे कॉमनेस्ट माइक्रोटोम है ना, सबसे कॉमनेस्ट माइक्रोटोम फॉर सेक्शन कटिंग कौन सा है, रोटरी माइक्रोटोम। तो इसमें कुछ नहीं है, रेफ्रिजरेटेड माइक्रोटोम में क्या होता है कि जो क्रायोस्टेट वाला है, ठीक है, क्रायोस्टेट मतलब बताया था लिक्विड नाइट्रोजन में जिसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रायो, क्रायो मतलब बहुत लो टेम्परेचर पे, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रायोस्टेट। मतलब रेफ्रिजरेटेड माइक्रोटोम का दूसरा नाम क्या हो गया, क्रायोस्टेट। इसमें क्या किया जाता है, तो माइक्रोटोम दैट आर इज यूज विद द क्रायोस्टेट आर स्टैंडर्ड रोटरी माइक्रोटोम। बताए थे कि क्रायोस्टेट में क्या होता है कि रोटरी माइक्रोटोम को क्या किया जाता है, बताओ, लिक्विड नाइट्रोजन में -20 डिग्री सेंटीग्रेड में रख दिया जाता है, ठीक है, तो चैम्बर क्या हो जाता था, पूरा
ठंडा बताए थे, जो ब्लेड व्लेड होता है वो भी क्या होता है काफी ठंडा हो जाता है, बताए थे ना। तो अब मानो कि उसको पूरा रख देगा उस चैम्बर -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ऑटोमेटिक जो भी, क्योंकि वो भी मेटल से ही बना हुआ है, रोटरी माइक्रोटोन क्या चीज़ से मिला है, स्टील और स्टील से बनता है, फिर उसका जो ब्लेड भी रहता है क्या चीज़ से बनता है, स्टील से बनता है, तो भी क्या होगा काफ़ी ठंडा हो जाता है, ये सब पढ़ाएंगे थे। तो क्रायोस्टेट मतलब क्या हुआ कि लिक्विड नाइट्रोजन में क्या होता है रोटरी माइक्रोटोन को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा बहुत ठंडा हो गया, तो उसी को क्या बोलते हैं क्रायोस्टेट। क्रायोस्टेट तुम लोग को लिखवाए थे, क्रायोस्टेट माइक्रोटोन, तो उसमें लिखा थे कि लिक्विड नाइट्रोजन में -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब रोटरी माइक्रोटोन को उसमें रख देते उस चैम्बर में, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं क्रायोस्टेट, ठीक है, तो वही है क्रायोस्टेट, उसी का नाम है रेफ्रिजरेटेड माइक्रोटोन। तो जब भी कटिंग करेंगे क्रायोस्टेट से, तो इसमें क्या होगा याद रखना है कि रोटरी माइक्रोटोन यूज होता है, ठीक है, या स्टैंडर्ड कैम्ब्रिज रोटरी माइक्रो रोपर, ठीक है, होता थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है, ये बताएंगे क्या होता है, मतलब सेम मशीन का है, ठीक है ना, जैसे ये रोटरी होता है स्लाइडिंग माइक्रोटोन का 100 माइक्रोटोन का, वैसे ही क्या है कैम्ब्रिज रोटरी रॉकर है, ठीक है, मतलब ये भी माइक्रोटोन का नाम है, समझ में आया यहाँ तक। तो ये दो चीज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं सेक्शन को या टिश्यू को कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर फ्रोजन सेक्शन है, यहाँ पर पैराफिन नहीं है, ठीक है ना, उसके अंदर भी क्या किया जाता है बर्फ जो भी होता है हार्ड क्या किया जाता है आइस टाइप में, ठीक है ना, उसमें क्या किया जाता है हाँ फ्रोज किया जाता है, ठीक है, तो उसको कटिंग करना है। तो ये समझ में आया कि टू मेथड्स कौन कौन सा है फ्रोजन सेक्शन को कट करने के लिए। सबसे पहला है फ्रीजिंग माइक्रोटोम, उसमें क्या किया जाता है कि जो भी फ्रीजर आता है उसमें CO2 गैस, ठीक है ना, उसमें मिक्स करके रख देंगे, और उसमें क्या ये क्या होता है बहुत सालों से चलता आ रहा है, अभी भी बहुत सारा लैब में काम करते हैं यूज करते हैं। और रेफ्रिजरेटेड माइक्रोटोम को बोलते हैं क्रायोस्टेट। क्रायोस्टेट क्या होता है, जब लिक्विड नाइट्रोजन को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, रोटरी माइक्रोटोम को उसी में प्लेस कर देंगे उसी चैम्बर में, तो वो क्या बन जाता है क्रायोस्टेट, ठीक है, उसमें जब कटिंग करेंगे तो उसको ये बोल देंगे रेफ्रिजरेटेड माइक्रोटोम, ठीक है। अब तो ये हो गया कटिंग, अब शुरू से पढ़ना है कि प्रोसेसिंग ऑफ फ्रोजन सेक्शन कैसे करते हैं, जैसे उसका प्रोसेसिंग करते थे फिक्सेशन करते थे, डिकल्सिफिकेशन करते थे, डिहाइड्रेशन करते थे, क्लियरिंग करते थे, उसके बाद क्या करते थे इनफिल्ट्रेशन इम्प्रिगमेशन, उसके बाद माइक्रोटोमी करते थे फिर उसके बाद, ठीक है, तो वैसा ही इसका भी प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है, ये तो माइक्रोटोम हो गया कैसे कैसे काटेंगे, अब ये पढ़ना है कि प्रोसेसिंग, ठीक है, मतलब स्टेनिंग तक, ठीक है ना, टिश्यू को फिक्सेशन से लेकर स्टेनिंग तक हम लोग कैसे और कौन कौन केमिकल से यूज करके उसको क्या करते हैं प्रोसेस करते हैं। तो जैसे कि नॉर्मल टिश्यू था उसको भी क्या किया जाता था फिक्सेशन किया जाता था। फिक्सेशन का फ़ायदा क्या था कि जब भी हमारे शरीर से बायोप्सी या ऑटोप्सी होता है, ठीक है, ऑटोप्सी होगा तो ऐसा ही सेल मतलब आदमी ही मरा हुआ है, ठीक है, तो क्या हुआ उसका सेल भी सब डेड कर जाता है धीरे धीरे। लेकिन जब बायोप्सी होता है तो क्या होता है कि लिविंग शरीर में से क्या होता है उसको कट करके निकाला जाता है, तो उसका ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाता है। तो बताए थे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जितना भी है सब क्या होगा उसको मिलेगा नहीं, जो स्टोर है वहीं रहेगा, ब्लड सप्लाई मिल नहीं रहा है, इम्यून सिस्टम इस सबसे इंटैक्ट नहीं है, तो क्या होगा इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया क्या होगा उसको डिकम्पोज करने के लिए, या प्यूट्रीफैक्शन बताए थे उसको प्यूट्रीफैक्शन करने के लिए आएगा, ठीक है, तो वो डिकम्पोज नहीं हो उसको प्रिजर्व किया जा सके, जैसे काट कराया है वैसे ही उसको फिक्स किया जा सके रखा जा सके, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं प्रोसेस यूज करते हैं जिसका नाम था फिक्सेशन, ठीक है। और फिक्सेशन में हम लोग क्या करते थे, जब वो पैराफिन वाला फिक्स पैराफिन टेक्निक था, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे 10% फॉर्मलिन को कॉमनली यूज करते थे, ठीक है, लेकिन जब फ्रोजन सेक्शन में फिक्सेशन करेंगे, ठीक है, तो इसमें 10% कौन यूज करेंगे फॉर्मल सलाइन हॉट 10% फॉर्मल सलाइन, ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्या होता है यहाँ पे सबसे कॉमनली यूज, ठीक है, क्या है एज ए फिक्सेटिव हम लोग यूज करते हैं, तो दोनों में अंतर है, ठीक है, तो याद रखना है फॉर्मल सलाइन उसमें बताए थे कि इसमें सेकेंडरी फिक्सेटिव में बताए थे ना, प्राइमरी में ही बताए थे, फॉर्मल सबलिमेट बताए थे इसमें, हाँ ठीक है, तो फॉर्मल सलाइन को ही क्या इसका भी फॉर्मलिन था 10% फॉर्मलिन दूसरा, लेकिन इसमें क्या रहता है हॉट रहता है, ठीक है, उसमें हॉट या कोल्ड का नहीं था, नॉर्मल टेम्परेचर वाला था, ठीक है,
इसको याद रखना है। एज अ फिक्सेशन क्या करते हैं हम लोग, 10% फॉर्मल सलाइन, ठीक है, वो ही यूज करते हैं एज ए फिक्सेटिंग, ठीक है। उसके बाद है कि टिश्यू टू बी सेक्शन नॉट एक्सीड, अब देखो उसमें था कि हम लोग 2 से 3 माइक्रोटोम में क्या करते थे, सेक्शन कटिंग करते थे, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, टिश्यू टू बी सेक्शन शुड नॉट एक्सीड 3 mm इन थिकनेस, इसको 3 mm थिकनेस से क्या होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन तुमको बताए थे जनरली क्या होता है, इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि थोड़ा मोटा कटता है, बताए थे ना 7 से 8, 6 से 7 ऐसे बताए थे mm तक कटता है, ठीक है। और उसके लिए भी बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, सेक्शन कटिंग नहीं हो पाता है। सेक्शन कटिंग मतलब बताए थे क्या चीज, कि ये सब था ऐसे रिबन टाइप का सेक्शन कटिंग, ठीक है ना, उसको पानी में डालते थे क्या होता था, वो सीधा हो जाता था, ऐसे रिंकल फ्री हो जाता था ना। तो ये क्या होता है, इसमें एक डिसएडवांटेज है कि ये जो लगातार सेक्शन कटिंग हो रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ नहीं होता, क्या होता है सब अलग अलग थोड़ा बहुत कटता है, ठीक है। सेक्शन कटिंग होगा लेकिन क्या होगा, बहुत मेहनत और एक्सपीरियंस का क्या होगा, जरूरत पड़ेगा, समझ में आ रहा है। इसमें भी ऐसे थोड़ा मोटा कटता है तो डिफिकल्ट है उसको सेक्शन कटिंग करना, सब बताया था कल। तो वही है कि टिश्यू को क्या करना चाहिए, जिसको सेक्शन करना है वो 3 mm थिकनेस से क्या होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो हम जो बताए थे जो सेक्शन कटिंग होता है उसका क्या बताए थे, 7 से मैंने, हाँ उसमें बताए थे 76 into कुछ करके बताए थे डायमेंशन, ठीक है, और इसमें बता रहे 3 mm। अब सेक्शन कटिंग होता है वो कितना बताए थे, उसमें 3 से 5 माइक्रोमीटर माइक्रोन बताए थे ना, और यहाँ पर जो बताए वो क्या बताए कि 7 से 9 माइक्रोन तक चला जाता है, कल बताए थे ना 7 से 8 क्या होता है माइक्रोन चला जाता है, इसमें थोड़ा क्या होता है थिक कटता है, ठीक है। और ये जो सेक्शन कटिंग है जो टिश्यू लिए हैं उसका साइज कितना रहना चाहिए, 3 mm के आसपास, और उसमें भी बताए थे 3 से 5 mm बताए थे, 7 mm ना माइक्रोमीटर तो कट है नहीं लिखा है क्या, तो उसका डायमेंशन 76 इंच लिखा था, ठीक है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको याद रखना, ठीक है। कि इसका जो सेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बताओ, 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है क्या, फ्रीजिंग। अब जैसे ही फिक्सेशन कर लेंगे तो उसमें क्या करते थे, उसमें डिहाइड्रेशन करते थे, ठीक है, तो इसमें पहले क्या करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो क्या करेंगे, जो भी टिश्यू कट किए हैं, ठीक है, तो टिश्यू मानो कि ये कट कर लिए जिसको हमको स्टडी करना है, ठीक है, तो ये टिश्यू को क्या करेंगे, पहले रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर में रख कर इसको क्या करेंगे, जमाएंगे, हार्ड करेंगे, तब ना सेक्शन कटिंग होगा। वहाँ पर क्या करते थे हम लोग, सेक्शन कटिंग करने के लिए पैराफिन वैक्स में डालते थे, ताकि क्या हो कि अंदर भी टिश्यू को थोड़ा हार्डनेस मिल जाए, और बाहर से फिर ब्लॉक भी बनाते थे, किससे, पैराफिन से बनाते थे ना, तो इसमें क्या होता था, यहाँ पे इसको हार्डनेस मिलता था, ठीक है, बाहर से सपोर्ट मिलता था, क्या होता है ईजिली कट किया जा सकता, और यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ठंडा करके क्या कर रहे हैं, उसको जमा रहे हैं, समझ में आ रहा है, ताकि क्या हो जाए थोड़ा हार्ड हो जाए, तब फिर उसको कटिंग किया जा सके, ठीक है। तो वही है कि फ्रीजिंग टिश्यू किससे साथ किया जाता है, बर्स्ट ऑफ CO2 के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बताओ, सेक्शन कटिंग। अब देखो इसका थोड़ा सा अलग है प्रोसेस, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर सेम रहता तो हम लोग पढ़ते हैं, बताओ अगर सेम रहता जैसे पैराफिन वैक्स वाला था, कि उसमें सबसे पहले फिक्सेशन करते थे, डिकल्सिफिकेशन करते थे, उसके बाद डिहाइड्रेशन करते थे, क्लियरिंग करते थे, अगर सेम प्रोसेस रहता तो इसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं था। तो इसका थोड़ा प्रोसेस क्या होता, थोड़ा सा हट के अलग है। तो इसमें सबसे पहले देखो क्या होता, फिक्सेशन किया जा रहा है, समझ में आ रहा है, फिक्सेशन तो उसमें भी होता था, उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये लगातार जो स्टेप लिखा रहे हैं ना, ये इसका प्रोसेसिंग है, ठीक है ना, ये उल्टा सीधा नहीं है, ये लगातार हम लिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिक्सेशन 10% फॉर्मल सलाइन बता दिए, उसके बाद क्या करेंगे, जो टिश्यू कट किए हैं कितना, 3 mm के आसपास, तो इसको क्या करेंगे, पहले फ्रीज करेंगे, अब क्या करेंगे, फ्रीज करके उसको जमाएंगे, ठीक है ना, हार्ड करेंगे, ठीक है। तो वही है फ्रीजिंग, तो किसके साथ करते हैं बताएं तुमको, CO2 के साथ, ठीक है। तो वही बर्स्ट ऑफ CO2 लिखा हुआ। उसके बाद क्या है, सेक्शन कटिंग, क्या है बोलो, सेक्शन कटिंग। अब क्या करेंगे हम लोग, सेक्शन को कट करेंगे, मानो कि कभी भी स्लाइड बनाना है, ठीक है, स्लाइड पे क्या होगा, पतला ही सेक्शन लेना पड़ेगा, स्मीयर बनाएंगे तो,
ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका सेक्शन कटिंग करेंगे। अब सेक्शन कटिंग कितना किया जाता है, 8 से 10 माइक्रोन। बताएं थोड़ा थिक कटता है वो कितना होता था, 3 से 5 माइक्रोन कटता था ना, और इसका कितना, 8 से 10 माइक्रोन। तो बताया था इसमें थोड़ा क्या होता है कि टिश्यू थिक कटता है, ठीक है ना, मोटा कटता है, इतना पतला हम लोग नहीं कट पाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है दोनों में, तो ये अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेक्शन जो कटिंग होता है 8 से 10 माइक्रोमीटर थिकनेस, ठीक है, इतना मोटा होता है, और सेक्शन को 6 से 8 सेक्शन काटते हैं, ठीक है। तो उसमें भी कटिंग करते थे 4, 5, 6 सेक्शन, इसमें भी क्या होता है 6 से 8 सेक्शन कट देता है। उसमें बताया था क्या होता है, इजिली सेक्शन कटिंग हो जाता है, ठीक है। इसमें बताया कि क्या होता है, ये लगभग थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा सेक्शन कितना ले लेंगे बताओ, 6 से 8, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब सेक्शन कटिंग होता था हम लोग उसमें भी क्या करते थे, वाटर में फ्लोट करवाते थे। अब देखो वाटर में फ्लोट क्यों करवाते हैं, इसका बताया था तुम लोग को, फिर से सुन लो एक बार। हम बताए थे जैसे पानी होता है, ठीक है, तो जैसे नॉर्मल रिबन जो आता है, ठीक है, हम लोग का कितना भी टेढ़ा मेढ़ा रहा है उसको पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, टेढ़ा उसका क्या होगा, सीधा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मानो कि इसको भी क्या किए हैं कि सेक्शन कटिंग काटे, तो ये भी क्या होता है, गोल गोल टेढ़ा उड़ा हो जाता है, हो जाता है ना। जैसे ही इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये भी थोड़ा बताया था पूरा फ्लैट हो जाता है, ठीक है ना, रिंकल फ्री हो जाता है। अब जैसे सेक्शन कटिंग किए तो क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा, होगा ना, यहाँ पर टिश्यू सब होगा। इसको जैसे ही क्या करेगी, पानी में डालेंगे, ठीक है, इसको क्या किए, पानी में हम लोग डालें, ये क्या होगा, एकदम से क्या होगा, सीधा ऐसे बन जाएगा, हो जाता है ना। तो इसी को बोलते हैं कि पहले रिंकल था, गोल गोल था, ठीक है, अभी क्या हो गया, रिंकल फ्री हो गया, डिस्टिल्ड वाटर में डाले तो। अब मानो कि स्लाइड पे ऐसे रखने में हमको बहुत दिक्कत होगा स्टडी करने में, तो इसको क्या करता है, रिंकल फ्री हो जाता है, पूरा सीधा हो जाता है, ठीक है ना। अब जब सीधा हो जाता है तो अपना सब ये सब टिश्यू अपना आ जाता है, उसके बाद क्या करेंगे, स्लाइड पे उसको उठा लेते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर में डालते क्यों है, क्योंकि जो भी सेक्शन कटिंग किए हैं वो क्या है, रिंकल है, टेढ़ा मेरा इधर उधर है, ठीक है ना, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा, ठीक है, फ्लैट हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या करते हैं, स्लाइड पर ग्लू अप कर लेता है, जो भी एल्बुमिन मेयर इस सब का क्या रहता है, स्लाइड रहता है ना, जिलेटिन या एल्बुमिन मेयर उसमें रहता है, ठीक है। तो उसमें उसी लिए क्या करते हैं हम लोग, फ्लॉट करवाते हैं, तो फ्लॉट इन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, सेक्शन को क्या करेंगे बताओ, स्लाइड पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहीं तक बताएं, इसके आगे अभी और 8-10 स्टेप है, ठीक है। तो आज तो हो नहीं पाता, जगह भी नहीं है, इसलिए अब उसको कल पढ़ाएंगे। देखो अब इसको क्या हो गया, पानी सोख लिया, तो क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे उसमें स्टेप था, ठीक है ना, बहुत सारा सेम है, सिर्फ ये थोड़ा आगे पीछे है, ठीक है ना। उसमें क्या होता था, पैराफिन को लास्ट में ले जाकर हम लोग क्या करते हैं, इम्बेडिंग, इन्फिल्ट्रेशन, इम्प्रेगनेशन करते थे, यहाँ पर फ्रीजिंग फिक्सेशन के बाद ही कर दे रहे हैं। उसका सेक्शन कटिंग है, फ्लॉट इन डिस्टिल, लगभग सब सेम है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो तुम लोग लेट से आए, एक बार और समझा दे रहे हैं, सुनेगा, ठीक है, जल्दी से क्विक रिविजन। सबसे पहले बताएं जो मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रोजन, जो भी फ्रोजन सेक्शन है, ठीक है, उसको बनाया कैसे जाता है। उसको बनाने से के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें स्पेशल टाइप का माइक्रोटोम सब क्या होता है, यूज किया जाता है। जनरली क्या होता है, दो टाइप का माइक्रोटोम होता है जो हम लोग यूज में लेते हैं। दो में से क्या हो गया, एक फ्रीजिंग हो गया, एक क्या हो गया, क्रायोस्टेट हो गया। फ्रीजिंग से नाम से ही पता चल रहा है कि उसका टेम्परेचर बहुत लो होगा, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, CO2 गैस भी यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जैसे तुम लोग देखा, बताया था कि गाना वाना जब शूटिंग होता है तो क्या होता है, देखा होगा कि पूरा धुआं नीचे से निकलते रहता है, ठीक है। तो क्या रहता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसको जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा है क्या होगा, उसमें से फ्यूम निकलता है, ठीक है, नीचे से। तो वैसे ही इसको CO2 गैस और फ्रीजिंग करके उसको क्या किया, ठंडा कर क्या होता है, उसका सेक्शन बनाया जाता है, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है, बहुत पहले ही से क्या होता है, बहुत साल पहले से हम लोग यूज करते आ रहे हैं और अभी भी क्या होता है, यूज इस प्रोसेस को करते हैं। दूसरा जो अब मेथड आ गया वो है रेफ्रिजरेटेड माइक्रोटोम। अब तुम लोग को बताया थे रेफ्रिजरेटेड माइक्रोटोम का दूसरा नाम है क्या चीज, क्रायोस्टेट। क्रायोस्टेट माइक्रोटोम तुम लोग को पढ़ाए थे, ठीक है। उसमें क्या बताया था, लिक्विड नाइट्रोजन में जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है वो एक चैम्बर रहेगा, ठीक है, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन भरा रहेगा, उसका टेम्परेचर कितना रहेगा,
-20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और उसमें क्या होता है, रोटरी माइक्रोटोम रहता है, ठीक है। मतलब उसी चैम्बर में क्या करेंगे, रोटरी माइक्रोटोम को डाल देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि रोटरी माइक्रोटोम सबसे कॉमनेस्ट था सेक्शन कटिंग के लिए, सबसे कॉमनेस्ट हम लोग मतलब रूटीनली और सबसे कॉमन था, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज करते थे हम लोग उस मशीन को किसके लिए, सेक्शन कटिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, कोई मानो कि एक चैम्बर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, चैम्बर हो गया, इसमें क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन भर दिए, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन भर दिए तो इसका टेम्परेचर कितना, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो काफ़ी ठंडा हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, जो भी रोटरी माइक्रोटोम था, ब्लेड ओलेट था, ठीक है ना, इसको मानो कि इस मशीन को इसी में रख दिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये पूरा मशीन क्या होगा, काफ़ी ठंडा हो जाएगा। इसका ब्लेड ओलेट भी लिखाया था कि क्या होगा, पूरा ठंडा रहता है, ठीक है ना। जब जब इसको इसमें सेक्शन कटिंग करेंगे, बात मत करो, जब इसको इसमें सेक्शन कटिंग करेंगे तो इसी को बोल दिए रेफ्रिजरेटेड माइक्रोटोम या क्रायोस्टेट, ठीक है। तो वहीं लिखा हुआ है कि दिस माइक्रोटोम यूज विथ क्रायोस्टेट आर ए स्टैंडर्ड रोटरी माइक्रोटोम। इसमें क्या हो सकता है, या तो रोटरी माइक्रोटोम हो सकता है या स्टैंडर्ड कैम्ब्रिज रोटरी रॉकर, ठीक है। ये दोनों क्या है, माइक्रोटोम का नाम है जिसको क्या किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, अंदर रख देते हैं, तो काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो हमको इसमें नाम से ही हम लोग को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन मतलब क्या हुआ, जमा हुआ सेक्शन, तो उसको ठंडा ही करके जमाएंगे ना। तो वही दोनों हो गया, दो मशीन हो गया, मतलब दो माइक्रोटोम हो गया जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद बताएं प्रोसेसिंग, उसमें भी टिश्यू प्रोसेसिंग बताए थे, फिक्सेशन, डिकल्सिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग बताया था ना, इन्फिल्ट्रेशन, इंप्रिगनेशन, सेम वैसा ही इसमें प्रोसेस होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, स्टेप सब थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि ये क्रायोस्टेट है, थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। ये पैराफिन वाला टेक्निक नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, फिक्सेशन होगा। फिक्सेशन करने के लिए क्या होता है, इसमें 10% फॉर्मल सलाइन यूज करते थे या फॉर्मलिन यूज करते थे ना, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हॉट 10% फॉर्मल सलाइन यूज करेंगे, इसमें गर्म यूज करेंगे, ठीक है, यूज फॉर फिक्सेटिव। इसमें जो टिश्यू होगा, इसका क्या होता है कि 3 से 5 mm से ज़्यादा टिश्यू को नहीं लेना चाहिए। जैसे हम टिश्यू जो ग्रॉसिंग करते थे, ठीक है ना, तो उसका डायमेंशन लिखा था उसमें, तो इसमें क्या होना चाहिए, टिश्यू को 3 mm से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे mm है, माइक्रोमीटर नहीं है, ठीक है ना, माइक्रोन्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टिश्यू सेक्शन को 3 mm से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो टिश्यू लिए उसको क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे उसको हार्ड करने के लिए, क्योंकि कटिंग करना है, थोड़ा सा हार्ड होगा तो क्या होगा, वो इजिली कट होगा, ठीक है। तो फ्रीजिंग करेंगे तो इसको क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है, ठीक है, तो ये सबसे कॉमन पॉपुलर है, बताए ना, वेरी पॉपुलर टेक्निक है। तो इसी में क्या करेंगे कि फ्रीजिंग सेक्शन में रख कर उसको CO2 के साथ रख देंगे, तो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा जमेगा, ठीक है ना, फ्रोस्ट ज़्यादा होगा, फ्रोजन ज़्यादा होगा, हार्ड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही जमेगा तो उसके बाद क्या करेंगे, सेक्शन कटिंग करेंगे। उसमें पैराफिन को रख कर सेक्शन कटिंग कर देते हैं, इसमें क्या करा, फ्रीजिंग कर सेक्शन कटिंग करेंगे, ठीक है। इसको सेक्शन कटिंग का माइक्रोटोम का यूज होगा, तो माइक्रोटोम बता दिए कौन कौन होगा, ठीक है। और उसका थिकनेस बताए थे कल कि क्या होता है, थोड़ा थिक कटता है, ठीक है, एडवांटेज में लिखाए थे। तो थिक कितना कटेगा, 8 से 10 माइक्रोन्स कटता है, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या करते थे, 3 से 5 माइक्रोन्स कट होता था, ठीक है। तो ये क्या होगा, थोड़ा थिकर हो जाएगा। और उसका जैसे ही कट करते थे हम लोग क्या करते थे, थोड़ा वहाँ पे हॉट वाटर, जो भी डिस्टिल्ड वाटर लिया था उसमें क्या करते थे, हॉट वाटर में क्या करते थे, उसको रखते थे ना, 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड था उस पानी का टेम्परेचर, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर रहता है उसमें रखेंगे, ठीक है ना, हॉट में रहता है तो क्या करेगा, तुरंत जो फ्रोजन होगा वो क्या होगा, पिघल जाएगा, दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, स्लाइड पर उसको उठा लेंगे। अब क्या होगा, पानी उनी सब अंदर घुसा होगा, फिर डिहाइड्रेशन करेंगे, तब फर्दर स्टेप जो होगा कल बताएंगे, ठीक है। इसको पढ़ लेना, कल ये कंप्लीट हो जाएगा।